दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये मेरा पहला व्लॉग है और थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हूँ कि क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। और आज चाइना में ड्रैगन बोट फेस्टिवल की वेकेशन है और इट्स लाइक 6 PM इन द इवनिंग। सो हम बाहर जाएंगे और देखेंगे कि बाहर क्या माहौल है। तो चलिए आए मेरे साथ, चलते हैं बाहर। ओके, लेट्स स्विच ऑफ द लाइट। दोस्तों चलते हैं अब लिफ्ट की तरफ। यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनके पार्सल वगैरह उनके डोर स्टेप पर ही आ जाते हैं। और ये भाई साहब आए हैं ख्वाहिती देने आए हैं, ख्वाहिती हम कहते हैं पार्सल को, या फिर आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर की होती है। और ये थोड़ा सा प्यारा सा व्यू है हमारे बिल्डिंग का यहाँ पर, और ये है जी लिफ्ट। सो लेट्स गो डाउन। चलिए जी, हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और चाइना में फर्स्ट फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट इसकी डेफिनेशन होती है। जस्ट लाइक ग्राउंड फ्लोर को ग्राउंड फ्लोर ही कहते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है हमारी बिल्डिंग से। यहाँ पे गार्ड होते हैं। हेलो। तो यहाँ पर शाम को काफ़ी रौनक होती है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं और कुछ बुज़ुर्ग जो होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक एक्सरसाइज हो गई या फिर इनका कुछ होता है डांस टाइप। जैसे ये लेडी हैं और यहाँ पर फिर इनका ग्रुप लग जाएगा और फिर जाना यहाँ पर वो डांस कर रहे होते हैं। इस काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन चाइना। रहते हैं बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास और ये है मेट्रो स्टेशन। हम पकड़ेंगे सबवे और सबवे से जाएंगे अपनी एक डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ जहाँ आज हमने जाना है। तो चलें, आप भी साथ जुड़े रहें और इकट्ठे चलते हैं वहाँ पे। हम जा कहाँ रहे हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए भी सरप्राइज़ है और उनके लिए भी सरप्राइज़ है। तो हम जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा। ये चाइना में ये ट्वाइस प्लेइंग गेम्स होती हैं। आपको यहाँ पे अगर QR कोड स्कैन करेंगे या कोइंस डालेंगे तो आप 3 times ट्राई करके इनमें से कोई ना कोई ट्वाइस निकाल सकते हैं। मैंने जितनी दफ़ा भी ट्राई किया दोस्तों, मेरा एक भी भालू नहीं निकला उसमें से, या मैं कोई भी ट्वाई नहीं उठा सका। अगर आप में से किसी ने पिक किया हो तो ज़रूर मैंशन करें, बट मैं तो हमेशा इसमें नाकाम ही होता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी मेट्रो आ चुकी है और अब हम इंटर होंगे मेट्रो में। और ये फुटमार्क्स है, आप किसी भी डोर के सामने ये फुटमार्क्स आपको मिलेंगे और आप इंटर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम जाने वाले हैं हाई टेक पार्क, जो कि नेक्स्ट स्टेशन है शेंजन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ ही है। एक्चुअली यहाँ से शेंजन यूनिवर्सिटी जस्ट वॉकिंग स्टेप पर है, जस्ट लाइक 1 किलोमीटर होगी। अनफॉर्चुनेटली बाहर आते वक्त मैंने एग्जिट गर्ल ले लिया और एक्चुअली हमने जाना था उस तरफ, और अब हम यहाँ से जाके रोड क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद उस तरफ जाते हैं। अच्छा, तो हमें रोड क्रॉस नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे एक अंडरपास था तो हमने वो यूज़ किया और फिर हम पहुँच गए हैं अभी एंट्रेंस पे हैं मॉल की। और एक्चुअली ये जगह मशहूर है डिफरेंट, यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज हैं और यहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और यहाँ पे अगर बेकरी से रिलेटेड कोई स्टफ़ चाहिए हो तो यहाँ पे केक्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि या डिलीशियस होते हैं। अभी हम आए हैं एडिडास की आउटलेट पर। मुझे पर्सनली एडिडास के शूज़ बहुत पसंद हैं और अभी जो मैंने पहने हुए हैं शूज़ वो भी एडिडास के ही हैं। और अभी जितनी भी इनकी कलेक्शन मुझे नज़र आ रही हैं वो तो मेरे ख्याल से पुरानी ही है मोस्टली। और अभी चेक कर रहते हैं किसी एक शूज़ को, ट्राई करते हैं उनकी प्राइस भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि ये अभी काफ़ी पुराना डिज़ाइन मुझे लगता है, आई डोंट नो व्हाई, और उसकी प्राइस चेक कर लें तो 799 RMB का है। और पाकिस्तानी अगर बात करें तो 1 RMB इज इक्वल टू 44 PKR और ये ऑलमोस्ट 35,000 का बनेगा, राउंड अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट, राउंड अबाउट प्राइस तो ये 35,000 का होगा, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अभी फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स हैं लाइक शनैल, और इसके परफ्यूम अच्छे हैं, क्वाइट एक्सपेंसिव बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और अच्छे परफ्यूम्स हैं, सो वी कैन ट्राई सम। मज़ेदार।
यहाँ पे लेडीज कलेक्शन पड़ी हुई है काफ़ी परफ्यूम्स की। तो यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि आप जितना मर्जी बार टेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, और आप इवन कि आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको मना नहीं करेंगे। तो ये बड़ी इनकी अच्छी बात है कि बहुत वेलकमिंग होते हैं कस्टमर के लिए, और इनकी एथिकल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छी हैं। ये आपको बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं, और बड़ा अच्छा इनका जो है ना यहाँ पर इन्वायरमेंट है। तो चार जन की ढूंढते ढूंढते हम तो बाहर आ गए हैं, और ये बाहर का व्यू है यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। चाइना में एक अच्छी बात ये है कि चाइना के जितने भी सबवे के स्टॉप्स हैं, मोस्टली उनके पास कोई ना कोई मॉल ये ज़रूर बनाते हैं ताकि लोग जो है वहाँ पे आके आउटिंग कर सकें और शॉपिंग कर सकें। ये इनका जो है ना बड़ा एक अच्छा सिस्टम है चाइना वालों का। अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको दिखाता हूँ कि चाइना में ढाबे किस तरह के होते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे से ना कार्ट्स बनाए हुए हैं। ये एक्चुअली छोटी छोटी सी ना वैन्स हैं, इनके नीचे टायर्स भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मूवेबल हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इनको शिफ्ट भी आसानी से कर सकते हैं। और देखें, रात को चाय वगैरह पीने के लिए जो सिटिंग के लिए इन्वायरमेंट उन्होंने बनाया हुआ, काफ़ी अच्छा ये इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बस इस चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में, और थोड़ी सी हमारी जो कौम है वो सिविलाइज्ड हो जाए तो क्या कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास हमारा नॉर्दर्न एरिया मतलब नेचुरली तो ब्लेस्ड है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है ना मेकअप करने की ज़रूरत है। वहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाएं और ऐसा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाए तो टूरिज़म खुद ब खुद ही आएगा वहाँ पर। अच्छा दोस्तों, चेक करें यहाँ पर मतलब डॉग्स की कितनी इन्होंने केयर की हुई है, उसको बिल्कुल पूनियाँ बनाई हुई हैं, गले में हार भी डाला हुआ है और पिंस भी लगाई हुई हैं, कपड़े भी पहनाए हुए हैं, और शूज़ देखें बिल्कुल मैचिंग है इनके कपड़ों से, मतलब कमाल है यार। मतलब जानवरों की यहाँ पे ज़्यादा इज्जत नज़र आ रही है मुझे तो। दोस्तों, हम बाय करने आए थे एक बैग फॉर माय वाइफ, बट जो कि हम नहीं कर सके क्योंकि हमें नहीं मिला, तो विंडो शॉपिंग कर करके हम थक गए हैं। और अभी हम बैठे हैं एक फूड कार्ट पर, यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेशमेंट और थोड़ा सा लाइट से खाएंगे। इस व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड। अपने चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। कनेक्ट स्मार्ट।